स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कैलकुलेशन की, और कैलकुलेशन में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल प्ले करती है मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन यदि 3 डिजिट नंबर की हो तो क्या बात है, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा, बात क्या है। लेकिन इस केस में हम बात करें कि हमें मल्टीप्लाई करना है 105 को 109 से, और मल्टीप्लिकेशन हम बेसिक तरीके से करते हैं तो हमारे पास 11445 आने वाला है, और इस लंबे मेथड से जो हम बचपन में पढ़ा करते थे। लेकिन आज हम बात करेंगे ऐसी ट्रिक की जो आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही ईजी वे में और बहुत जल्दी आप फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, 105 मेरे पास है, मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूं 109 से। सबसे पहले आपको यह देखना है कि 105 100 से कितना ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर 5 ज्यादा है, ठीक है। 109 100 से कितना ज्यादा है, तो आप बता रहे हो सर 9 ज्यादा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको करना यह है आप क्रॉस तरीके से एडिशन करो। फॉर एग्जाम्पल 105 को एड करो 9 के साथ, तो जब आप ऐड करोगे आप पाओगे कि 114 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। फिर हमें चाहिए 45, है ना, एक तो 114 आ गया, फिर हमें चाहिए 45। 45 इस पूरे में से कहां से दिख रहा है आपको, यदि इस 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 45। मतलब इतना इजी हो गया कैलकुलेशन कि आपको इतना लंबा ये कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। फॉर एग्जाम्पल एक और देखते हैं, 108 और 109 ही ले लेते हैं सपोज, ठीक है। फिर आपसे सेम क्वेश्चन रहेगा मेरा कि 100 से कितना ज्यादा है, ये 8 ज्यादा है और ये 9 ज्यादा है। अब आपसे क्या बोला था मैंने, किसी भी क्रॉस को, भाई आपको कभी ये लग रहा हो कि सर पहले ये वाला डायगोनल लिया था अब ये वाला, 109 प्लस 8 117, 108 प्लस 9 117, मतलब 117 ही आने वाला है। और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास 72 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हो कैलकुलेटर से कितना इजी हो गया जो हम पहले मल्टीप्लिकेशन करते थे उससे ये। अब इसमें बात करने वाले हैं हम एक और क्वेश्चन की जिसमें आप देखोगे 3 डिजिट नंबर्स ही हैं हमारे पास, 112 और 105। क्या बताया मैंने आपसे, 100 से कितना ज्यादा है ये 100 से 5 ज्यादा है, क्या करोगे आप ऐड कर दोगे, दैट इज 117, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे 60 आ गया, ये लो आंसर। इसमें क्या करना है, अच्छा एक चीज और, जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आएगा ना वो 2 डिजिट में ही रहेगा। यदि 2 डिजिट नहीं है तो 0 लगा के बना दो, अदरवाइज 3 डिजिट में आ रहा है तो 1 आप कैरी कर देना। एक क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे इसकी बात करते हैं कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, क्या करेंगे ऐड कर दो, 106 आ गया है, मल्टीप्लाई कर दो 08 आ गया है। अब ये क्यों करा हमने, मैंने आपसे क्या कहा था 2 4 8 आ रहा है, सिंगल डिजिट आ रही है तो 0 लगा देंगे उससे पहले। एक और छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, 101 into 109, ठीक है ना भाई, क्या करेंगे अब, ये प्लस 1 ज्यादा है, ये प्लस 9 ज्यादा है, ऐड कर दो 110 हो गया, 09 आ गया, लो छोटा सा क्वेश्चन आ गया आपके पास। अब स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं अगले नए क्वेश्चंस, इसमें थोड़ा सा चेंज है, मतलब ट्रिक चेंज नहीं है, वो तो वही सेम रहेगी, बट हम बात करते हैं इसमें ना जो 100 के बाद वाले नंबर है, यहाँ पे क्या है 17, यहाँ पे क्या है 21, यहाँ पे क्या है प्लस 12 और यहाँ पे क्या है प्लस 15। अब आपको देखो ये दोनों तो आप ऐड कर दोगे, कितना आ जाएगा ये 127, ठीक है। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर दोगे तो कितना आ जाएगा 180, तो 180 आ गया है। मैंने आपसे क्या कहा था, सिर्फ 2 डिजिट लेनी है आपको, और ये क्या कर दोगे आप कैरी लगा दो, तो 128 80 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बात करोगे, अब देखिए काफी बार क्या होता है ना, आप सबको प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, इन दोनों को तो आप ऐड कर दोगे, दैट इज 138, ये तो आपने कर दिया, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मल्टीप्लिकेशन आपका थोड़ा बढ़ जाएगा। इस केस में हमें करना क्या है, देखिए जैसे 21 into 17 करना है आपको, ठीक है। अब ये हमारे पास सर टाइम तो उतना ही लगेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं हम। जब कभी भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो उसके आसपास एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका आप मल्टीप्लिकेशन इजीली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आप इसे लिख सकते हो 20 + 1, ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो यहाँ पे 17, 17 × 3 = 40 + 17 कितना आ गया भाई हमारे पास 357। आप सही है, 2 डिजिट इसकी ले लेना, बाकी कैरी लगा दो, कैरी लगा दोगे तो 138 + 3 = 141 आ गया, 57 बन गया। मतलब आपके लिए ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट रहेगी मल्टीप्लाई करने वाली। जैसे मैं इसको बताऊं आपको 12 × 15 करना है आपको, आप क्या करो 12 के आसपास कोई ऐसे नंबर देखो जिसका आप मल्टीप्लिकेशन बड़े आराम से कर सकते हो, किसका 10 का, तो 10 + 2 लिख लो इसे, और इसे क्या लिखोगे आप 15 × 10 = 150 + 15 × 2 = 30 कितना आ गया भाई 180 आ गया। आपको ये लिखना नहीं पड़ेगा, ये बहुत ही इजी चीजें हैं, आपको सिर्फ इसके स्पीड बढ़ानी है। कुछ क्वेश्चन अपने आप भी करके देखेंगे तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी इसकी।
अब स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बड़ी मल्टीप्लिकेशन आ गई है लेकिन करेंगे हम उसी तरीके से। कैसे? कितना ज्यादा है भाई ये? 34 ज्यादा है। ये कितना ज्यादा है? 25 ज्यादा है। क्या करते हैं, इसको ऐड करके देख लो कितना आ जाएगा, 159 आ रहा है। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। ये आपके लिए रहेगा थोड़ा सा टास्क। 34 × 25, मैंने आपसे कहा ऐसा कोई नंबर बताइए जिसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो। 30+4 कर सकते हैं हम इसको, और यहाँ कर देंगे 25। मल्टीप्लाई करो 25 × 3, 75 और 0 रहेगा, प्लस 100 आ गया, 850 आ गया आपके पास। तो क्या कर दो, 850। मैंने क्या आपसे क्या कहा, सिर्फ दो को लेना है आपको, बाकी ये लगा दो कैरी। 159 + 8 = 167, 167, 50 इज आंसर। तो मतलब बहुत इजीली आप कर सकते हो, वो तो मैं आपको सिखा रहा हूँ इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। इसके हम बात करें तो ये +14 ज्यादा है और ये +12 ज्यादा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पर इन दोनों को ऐड कर दो, 126 आ गया आपके पास। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 14 × 12, क्या कर सकते हैं हम, 14 × 10+2 लिख सकते हैं भाई बच्चों। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो 140 आ गया, 14 × 2 जा कर दोगे तो 28 आ गया, 168 आ गया। मैंने आपसे क्या कहा था, लिखना सिर्फ आपको दो डिजिट वाला ही है, इसको चला दो कैरी, 127 68 आ गया है आपके पास। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं हम टू डिजिट की मल्टीप्लिकेशन की। ट्रिक वही रहेगी हमारे पास, बट क्वेश्चन हो चुके हैं अब चेंज। कैसे, 100 में से कितना छोटा है ये -2 और कितना छोटा है ये, दैट इज -3। अब आप क्या कर सकते हो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, वहां पे प्लस का साइन था इसलिए हम ऐड कर देते थे। अब यहां माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 95। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 06। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, ये कितना छोटा है 100 से, -5 और ये -8। क्या करोगे आप, अब इसमें से, इसमें से इसको माइनस कर दो चाहे इसमें से इसको, कितना आ रहा है भी आपके पास, 87। मल्टीप्लाई कर दोगे तो 40 आ गया। मतलब बहुत ही सिंपल चीज हो चुकी है हमारे पास। अब आपको सिर्फ ये देखना है 100 से कितना छोटा है और उस वाले केस में 100 से कितना बड़ा है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। अब इसमें फंडा वही लगना है हमारे पास, भाई 100 से कितना छोटा है ये, -12, ये कितना छोटा है, -4। क्या करेंगे, इसमें से इसे माइनस कर दो, 84 आ गया है, 12 × 4 = 48। लो सिंपल सिंपल आंसर आ रहा है आपके पास। ये कितना है भाई, -13। ये कितना है, -8। अब इसमें आपके पास तीन डिजिट आ रहा होगा मल्टीप्लाई करने से, क्या करोगे आप इसे, ये आ गया है, कितना आएगा, 79। इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना, 104। इसे यहाँ ले जाओ, 8004 आ रहा है हमारे पास। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, -15 और ये -12। यहाँ पे क्या करोगे आप, इसको लिखोगे तो ये 73 आ रहा होगा, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो 180 आएगा। इसे यहाँ कर दो, 7480 हमारे पास आ गया है आंसर। तो मतलब बहुत ही बेसिक तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप ये देख सकते हो कि नियर 100 वाले ही जब मल्टीप्लिकेशन आती है तभी ये चीजें ज्यादा इजी रहेंगी, अदरवाइज एप्लीकेबल तो किसी भी नंबर के लिए हो सकती है।